बिना किसी लाग लपेटे के सवाल यही है, क्यों लग रहा है कि यह साजिश थी, आंदोलन नहीं था जो विनेश फोगाट के जरिए किया गया या महिला पहलवानों के जरिए किया गया? क्यों ये इतनी बड़ी साजिश इस वक्त आपको लग रही है? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं यह साजिश है, और पहले दिन से कह रहा हूं कि यह कांग्रेस की साजिश है, और पहले दिन से कह रहा हूं इसके मुख्य किरदार का नाम भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है। और अभी कुछ बातें निकल करके आई हैं और अभी पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। पूरी स्थिति तो उस दिन स्पष्ट होगी जिस दिन न्यायपालिका का जजमेंट आएगा। लेकिन ब्रिजभूषण जी, यही तो वो भी कह रहे हैं कि पहले दिन से कि हमारे साथ हुआ है अत्याचार, लेकिन इसे सियासी तौर पर अब चोला उड़ाया जा रहा है। पर क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर विनेश फोगाट ने ज्वाइन कर भी लिया है कांग्रेस तो वो आंदोलन नहीं था? ये कोई तो एक बिना होगी जिस बिना पर कि क्या जो भी किसी पर अगर बड़ी राजनीतिक हस्ती पर आरोप लगाएगा और अगर वो विरोधी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो क्या वो साजिश हो जाएगा? देखिए, मैं फर्स्ट डे से अपनी बात पर कायम हूं कि इस आंदोलन के मुख्य किरदार का नाम है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है, इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है। तीन मुख्य आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, कोर्ट के प्रतिबंध हैं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन तीनों आरोपों के समय हम दिल्ली में नहीं हैं, एक में हम सर्बिया हैं और दो घटना के दिन हम लखनऊ में हैं, एक घटना के दिन इसी नंदनी में हैं, और कहीं ऐसी जगह पर नहीं है। हम ऐसी जगह पर हैं जहां बाकायदा कार्यक्रम चल रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, अधिकारी बैठे हैं, लोग बैठे हैं, लेकिन साहब है तो है, अब इन्होंने आरोप लगा दिया, चार्जशीट लग गई, उसको हम जेल लाए। विनेश फोगाट अब कह रही है कि मैं महिलाओं की, बेटियों की आवाज बनकर अब आऊंगी, मजबूती बनूंगी मैं उनकी और दिखाऊंगी कि इंसाफ कैसे होता है। उन्होंने कहा है कि अब सुधार होगा, बदलाव होगा। लड़कियों की आवाज और या लड़कियों की इज्जत वो तब होती जब उनके साथ बदतमीजी हो रही थी और उन्होंने पलट करके थप्पड़ मारा था। वो कैसी पहलवान है कि उनके साथ बदतमीजी हो रही है और एक दीवाल के बगल में, दरवाजा बंद भी नहीं, एक दीवाल के बगल में उसका पति बैठा हुआ है, कथित पति, उस समय पति नहीं था, उस समय उनका फ्रेंड था, पति बैठा हुआ है, और आपके साथ एक 65 साल का आदमी आपसे बदजुमानी कर रहा है, आपके साथ मतलब गलत हरकत कर रहा है, और ये वर्ड वाले हाथ उठे नहीं। अगर ये वर्ड वाले हाथ उठ जाते उस दिन, तब वो लड़कियों की इज्जत होती। ये कहानी झूठ है, मनगढ़ंत है, इन्होंने लड़कियों को बदनाम किया है, इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है।